शॉपिंग के बाद आते ही सारे लड़कों की शामत आ जाती है, लेकिन लगता है गौरव बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। शॉपिंग की उन्हें अच्छी खासी आदत रहती है। अच्छा भी है ना, अगर लड़के शॉपिंग में माहिर हो गए तो जाने दीजिए, अभी इन सारी बातों का वक्त नहीं है। वक्त है शॉपिंग का, और शॉपिंग के लिए बाजार में निकल पड़े हैं गौरव। बाजार में उन्हें मिल गए एक भारतीय व्यापारी। हाँ भाई, ओमान में कई भारतीय मूल के लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। सर कब से है आपकी ये? तकरीबन 200-250 साल से है। मैं सोच रहा हूँ अपनी मम्मी को, जो इतना टीवी देखती हैं, उनको असली मसाले दे देते हैं जिसके लिए ओमान फेमस है। तो मैं पैक करा रहा हूँ 100 ग्राम ब्लैक पेपर, 100 ग्राम गरम मसाला, 100 ग्राम इलायची, 100 ग्राम दालचीनी, तो आप प्लीज पैक कर दीजिए। गौरव पहुँचे एक ऐसी दुकान में जहाँ ढेर सारे चॉकलेट, कैंडीज और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स बिक रहे थे। और यहाँ भी दुकान में खड़ा सेल्समैन कितनी बढ़िया हिंदी बोल रहा है, सुनिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट कौन सा बिकता है? पिस्ते, काजू बादाम सर। पिस्ता, काजू बादाम, हाँ सर। तो लोग आके इंडिया वाला मांगते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि ईरान वाला? इंडिया वाला है। इंडिया वाला, हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही हिंदी बोल पा रहे हैं, ओमान के मूल नागरिक में से भी बहुत सारे टूटी फूटी ही सही लेकिन हिंदी बोल लेते हैं, जैसे कि ये जनाब। देखकर तो पूरे ओमानी लग रहे हैं लेकिन हिंदी भी बोल लेते हैं। इधर ओमान का ये ट्रेडिशनल खंजर है। ये खंजर सुल्तान रॉयल फैमिली का है, सुल्तान फैमिली का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर से ऐसा होना मांगता है। ये खंजर मुझे पहना दीजिए प्लीज। ये ऐसा, चलिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये सब बताया। हमारा भाई ये सब, हम लोग एक ही भाई है, एक ही। शुक्रान, शुक्रान, अल्हम्दुलिल्लाह। गौरव ने ओमान के इस बाजार में बहुत सारी जानकारी हासिल की, बहुत कुछ ढूंढा भी और अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ खरीदा भी। माँ के लिए मसाले खरीदे, ये तो हम सबको बता दिया, लेकिन बाकी की चीजें किसके लिए ली ये उन्होंने नहीं बताया। कोई बात नहीं गौरव, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती है। आज नहीं तो कल हमें तो पता चल ही जाएगा कि आपने जो कुछ खास गिफ्ट खरीदे हैं वो किसके लिए है। ओमान में देखने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ आने वाला हर शख्स यहाँ के इस पुराने किले को जरूर देखने आता है, क्योंकि ये किला अरब सागर के रेगिस्तानी किनारे पर बना हुआ होने के बावजूद हरियाली से घिरा हुआ है। खजूर के पेड़ों की हरियाली यहाँ छाई हुई है। इस किले को देखकर पता चल रहा है कि ओमान का इतिहास भी कितना पुराना होगा। कहा जाता है कि ईस्वी सन पूर्व की 6वीं और 7वीं सदी के मध्यकाल तक यहाँ ईरानियों की फारसी 3 पीढ़ियों ने अपना शासन चलाया था, अहमानी, पार्थियन और सासानी। 7वीं सदी में मोहम्मद साहब के जीवन काल के दौरान इस्लाम धर्म यहाँ पहुँच चुका था। सन 1508 और 1648 तक यहाँ पोर्टुगीज उपनिवेश हुआ करता था, जिसे वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के बाद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। पोर्टुगल पर जब स्पेन का अधिकार आया तब पोर्टुगीज लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। नकल करोगे तो पकड़े जाओगे, ये हम लोग बचपन में सुनते थे, लेकिन यहाँ ओमान में एक्चुअली एक पोर्ट है जिसका नाम है नकल, क्योंकि अरबिक में नकल का मतलब होता है डेट पाम्स। और इसका नाम क्यों नकल है आप ये देखिए पीछे। जी हाँ, वो सब जो आप देख रहे हैं वो डेट पाम्स हैं। पुराने जमाने के वेपन्स जो सबसे ऊपर यहाँ लगाए जाते थे, इसके अंदर एक कैनन बॉल भी फिक्स है इधर, शायद चलाते वक्त ये फिक्स हो गई होगी, निकली नहीं। द किंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ वहाँ कूदने फांदने के बाद गौरव पहुँच गए इस पुराने किले के रसोई घर में, जहाँ के बर्तन कुछ कुछ भारत में दिखने वाले पुराने बर्तनों जैसे ही हैं। ये है 16th सेंचुरी का कैसल का किचन। जी हाँ, और ये रहे वो बर्तन जिनसे खाना बनता था।
यहाँ पे खाना बनता होगा और इसके बाद हाल में सजा के खाया जाता है। जी हाँ, कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती हैं, जैसे कि आटे की चक्की, ये देखिए चाय की केतली है ना, ये चीज सारी औरतों को बहुत पसंद आएगी साफ करने के लिए। यहाँ रखी सारी चीजों को गौरव ने अच्छी तरह पहचान लिया, लेकिन एक चीज को वो नहीं पहचान पाए। 16 सेंचुरी का पता नहीं कुछ तो है। अच्छा, ऐसे फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर दबा दबा के, नॉट बैड। जिसे ये कढ़ाई का छारा समझ रहे हैं वो दरअसल इस कमरे के बीच में रखे हुए पानी गर्म करने वाले इस नले की जाली है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करने के लिए पुराने जमाने में ऐसे ही नले का इस्तेमाल होता था, जिसके बीच में आग लगाई जाती थी और आसपास भरा हुआ पानी गर्म हो जाता था, और ये जाली उस नले के नीचे रखी जाती ताकि लकड़ी और कोयला उस नले से गिर ना जाए।